विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड वाली पर्ची मतदाताओं को बांटनी शुरू कर दी गई है पहली बार फोटो युक्त तो पर्ची की जगह क्यूआर कोड वाली पर्ची दी जा रही है जिसको स्कैन करने के साथ ही मतदान केंद्र और विधानसभा क्षेत्र की भी जानकारी मिल जाएगी प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें मतदाताओं को पहले से ही क्यू कोड वाली वोटर स्लिप बांटना शुरू कर दिया गया है जिससे मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी निर्वाचन विभाग की ओर से ये सुविधा पहली बार शुरू की गई है इसी के साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा भी पहली बार दी गई है मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा के बाद क्यू कोड वाली वोटर स्लिप पहली बार दी जा रही है इसी के साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से एक करोड़ पच्चीस लाख परिवार को पॉकेट गाइड भी दिया जा रहा है नई व्यवस्था के तहत वोटर स्लिप निर्वाचन विभाग की ओर से जिला अधिकारी को दी गई है वहां से क्यू कोड वाली पर्चियां बी तक पहुंचती हैं और बी घर घर जाकर पर्ची बांटने का काम कर रहे हैं इसी के साथ ही पर्ची सही वोटर्स को मिल रही है या नहीं इसका भी सत्यापन करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए पांच करोड़ सत्ताईस लाख अठासी हजार नौ सौ इकतीस मतदाताओं को फोटो युक्त पर्ची की जगह क्यू कोड वाली वोटर स्लिप मिलेगी जिसके स्कैन करते ही उनकी जानकारी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र और बूथ केंद्र की जानकारी मिल जाएगी जिससे मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा